हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बीते कुछ महीनों से यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में घमासान मचा हुआ है, जहां पे किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन के देश ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने देश में चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतारें। वहीं किसी भी तरीके से चाइना ये चाहता है कि वो यूरोप के मार्केट को कैप्चर करे। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कहीं ना कहीं ये एक टैरिफ वॉर की तरफ बदलता हुआ दिख रहा। टैरिफ वॉर क्या होता है कि सपोज दैट चाइना किसी भी सामान को यूरोपियन मार्केट में भेजता है, तो उस सामान के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे कि जो उसके कंज्यूमर रहने वाले हैं यूरोपियन कंट्री में, वो उसे परचेज ही नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है टैरिफ वॉर का। इसी बीच जर्मनी के वाइस चांसलर, जो कि जर्मनी में इकोनॉमी को भी संभालते हैं, उनका 3 दिनों का ऑफिशियल विजिट है चाइना में। लेकिन जिस तरीके से चाइनीज काउंटर पार्ट का रिएक्शन रहा जर्मनी के वाइस चांसलर को देख के, तो ये बहुत हद तक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो चाइना का स्टैंड है वो काफी सख्त है यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ। अब जिनको नहीं पता, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इतने सारे घमासान मचे हुए हैं और ये क्यों एक टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इस साल अगर आप भारत की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का असर हमें साफ देखने को मिला, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हर देश अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात किया जाए यूरोपियन यूनियन का, तो उन लोगों ने भी एक टारगेट सेट किया है जहां पे उनका ये कहना है कि 2035 तक किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश आते हैं, यानी कि 27 देशों में, किसी भी तरीके का पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को नहीं बेचा जाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि नहीं बेचा जाएगा, तो इसका ये भी मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग ही कंप्लीट तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो एक चीज बहुत ही सोचने वाली है कि अगर यूरोपियन यूनियन देश अपने देश में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को अगर वो मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों को यूज करेंगे, तो क्या उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो उस फाइन क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना सकें? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्ट चाइना। शायद ही आज के डेट में कोई ऐसा देश है जो इस हिसाब से गाड़ियों को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर पा रहा जिस हिसाब से चाइना करता है। यहां से भी एज एन इंडियन हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम सही समय पे सही चीजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम कंप्लीट तरीके से एक इंपोर्टर देश बन के रह जाएंगे। और क्योंकि अगर आप एक इंपोर्टर देश होते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने फॉरेन पॉलिसी को उस तरीके से डिजाइन नहीं कर पाते हो जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज के डेट में चाइना को। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें चाइना के बारे में, तो लगभग कुछ 100 से भी अधिक चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो लगभग 300 से भी अधिक मॉडल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी रेंजों के गाड़ियों को बनाते हैं। तो जिस हिसाब से चाइना आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अपने एक्सपर्टीज को बना लिया है, कोई और दूसरा देश इसके सामने स्टैंड ही नहीं करता है। इसका एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण आप देख के समझ सकते हैं कि अगर 81% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट अगर सिर्फ चाइना ही डोमिनेट करता है, तो ये अपने आप में काफी सफिशिएंट है बताने के लिए कि क्यों चाइना अकेले पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन देशों के साथ लड़ने भिड़ने को तैयार है। यूरोपियन कंट्रीज के दिमाग में दो सबसे बड़ा कंसर्न है चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। सबसे पहली बात तो जो कंसर्न है वो ये है कि जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया, चाहे आज के डेट में जिस तरीके से हम अपने गाड़ियों में GPS को यूज करते हैं, या अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ गाड़ियों को अनलॉक या लॉक करते हैं, या अपने सेल फोन को हम लॉक या अनलॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो आज के डेट में अगर किसी भी देश को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो अगर आप वहां के लोगों का अगर आप बिहेवियर को अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप उस देश को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न यह है, और दूसरा जो बड़ा कंसर्न यह है कि अगर किसी भी तरीके से यूरोपियन मार्केट में चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एंट्री हो जाता है, तो जो वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे उनके पास कोई मोटिव या इंसेंटिव नहीं रह जाएगा जिसको देखते हुए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों को प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पे मार्केट एनालिस्ट का यह मानना है कि साल 2024 तक लगभग यूरोपियन कंट्रीज में 25% चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ा करेंगी। तो ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा नंबर होता है, जो कि बताने के लिए काफी पर्याप्त है कि अगर किसी भी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज चाइना के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तो वो समय बहुत दूर नहीं है जब यूरोपियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमें दिखेंगे। इन्हीं सबको देखते हुए अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज अपने अपने हिसाब से कितना टैरिफ बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% अगर टैरिफ इंक्रीज नहीं किया गया, तो किसी भी तरीके से चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूरोप के मार्केट में आने से नहीं रोका जा सकता है।
क्योंकि चाइना हमारा एक नेबरिंग देश है और इसके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एज एन इंडियन हमारे लिए ये मजबूरी भी बन जाती है कि चाइना को हम कॉन्टिन्यूसली उसके एक्शन को मॉनिटर करें और कम से कम एटलीस्ट हम देखें कि वो किस तरीके से अपने ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा रहा। बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट जो कि यूरोपियन कंट्रीज के हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और वो जो गैप क्रिएट कर दिया गया अंडर इन्वेस्टमेंट के कारण, उस गैप को बहुत ही अच्छे तरीके से चाइना भरा है, यानी कि इस्तेमाल किया है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हंगरी के बारे में, तो चाइना यहाँ पे 221 हेक्टेयर का लिथियम आयन बैटरी का प्लांट को बना रहा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2025 तक एक्टिव हो जाएगा। तो ये बताता है कि अगर किसी भी देश के पास किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर एडवांसमेंट होता है, अगर वो सही तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करता है, तो कहीं ना कहीं उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि हम देख सकते हैं क्लियरली चाइना के केस में। इनका नाम है रॉबर्ट हैबेक और ये जर्मनी के वाइस चांसलर प्लस वहां के इकोनॉमी मिनिस्टर भी हैं, जो कि 3 दिनों के विजिट में चाइना पहुंचते हैं, क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं और बीते कुछ साल में बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी भी थे जो चाइना से एग्जिट भी किए हैं। उसके पीछे का वजह बताया गया है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ चाइना का डोमिनेंस या उन सब जर्मन के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मॉनिटर किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक जानबूझ के एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि जर्मनी के ऑटोमोबाइल्स कंपनी चाइना को छोड़ के निकल जाए। तो कहीं ना कहीं जितना आज के डेट में रिक्वायरमेंट चाइना को जर्मनी का है, उतना ही रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जर्मनी को चाइना का है। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट हैबेक यानी कि जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर का एक मीटिंग शेड्यूल था ली क्वांग से, जो कि चाइना के प्रीमियर है, यानी कि इक्विवेलेंट टू वहां के इकोनॉमी मिनिस्टर है ये, तो इनके साथ इनका मीटिंग शेड्यूल था, लेकिन इस मीटिंग को होने ही नहीं दिया गया, या इनफैक्ट हम ये कह लें कि ली क्वांग जर्मनी के वाइस चांसलर से मिलते ही नहीं है। तो ये सब जो एटीट्यूड होता है, ये सब एटीट्यूड तब आता है जब आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं सामने वाला देश आपसे कमजोर है और नियर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा स्कोप ना दिखे जहां पे आपको ये लगे कि जर्मनी डोमिनेट कर सकता है चाइना को। नॉर्मली जियोपॉलिटिक्स में जो मीटिंग शेड्यूल होता है वो इक्विवेलेंट लीडर्स के साथ मीटिंग शेड्यूल होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा देखा गया है कि ली क्वांग ना मिलते हैं और उनके और जो अधिकारी होते हैं या इनफैक्ट जो जूनियर रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं वो इनसे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एंबैरेसमेंट क्रिएट किया गया जर्मन के वाइस चांसलर के लिए। अलग अलग यूरोपियन यूनियन के देश अलग अलग टाइप के टैरिफ को कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। वहीं पे पिछले सप्ताह ईयू ने अनाउंस किया कि वो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 38% का टैरिफ इंपोज कर देंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूरोप में मिलना शुरू होंगे उसका कॉस्ट काफी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां के जो कंज्यूमर रहेंगे वो अवॉइड करेंगे। इन्हीं सब को देखते हुए चाइना भी रिप्लाई करता है और कहता है कि वो सारे चीजों के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा चाइना के द्वारा, जो कि वो यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना इतना स्ट्रिक्ट है अपने बॉडी लैंग्वेज में या अपने विचारों को लेके, तो ये भी बहुत कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं चाइना का जो पोजीशन है वो किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन के देशों के सामने कम नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था भारत में कि बहुत सारे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कोशिश करते हैं कि भारत में चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रयास किया था कि बहुत सारे टैक्स रिबेट दिए जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे चीज तकरीबन सभी देश करते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का बिहेवियर है ये कंप्लीट तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने रिश्ते को चाइना के साथ बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन टैरिफ बढ़ाता है तो चाइना भी बदले में टैरिफ बढ़ाएगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।